सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। जैसा आप सभी लोगों को पता है, मैं अपने चैनल पे चैलेंजेस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने डिफरेंट चैलेंजेस किए हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जो मेरा लास्ट चैलेंज था, जो था 500 स्क्वेयर्स का, वो चैलेंज की सोरनेस मसल से टली गई है। वो दिन तक उस सोरनेस की वजह से मैं कुछ नहीं पा रहा था, ना मैं सही से स्टेयर्स को चढ़ पा रहा था, ना ही लेग से उतना काम कर पा रहा था। तो आप भी एक ऐसा चैलेंज लेग चैलेंज करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें, और आपको पता होना चाहिए कि एक दो दिन तक उसकी सोरनेस आपकी बॉडी में रहेगी, खासकर लेग्स में, तो आप अनेबल रहोगे किसी भी काम को करने में। तो ऐसा था मेरा लेग का चैलेंज। तो अब बात करते हैं आज के चैलेंज की। तो आज मैं करने आ रहा हूँ 200 सिटअप्स, जो कि एप्स की एक्सरसाइज होती है। और जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एप्स की एक्सरसाइज करने से ही एप्स आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके बारे में अपन आगे फिर किसी एक वीडियो में बात करेंगे। आप बता देना कि चैलेंज में मैं 200 सिटअप्स करने जा रहा हूँ। सिटअप्स इससे पहले मैं जिम में करता था, मैं 10-10 या 15-15 की 3 सेट करता था। तो कभी मैंने एकदम से ऐसा 200 जाने का ना तो मैंने स्क्वैट में सोचा था, ना ही मैंने इसमें स्क्वैट में, मैं तब भी मैं वेट के साथ में मैं स्क्वैट करता था, पर इसमें तो मैं नॉर्मल ही करता था। और 15-20 से ज़्यादा तो रेप में मैं कभी गया ही नहीं हूँ। तो आज सीधा 15-20 से 200 जाने में बहुत दिक्कत आई थी। तो आप सब इस वीडियो में बने रहें। तो अब शुरू करते हैं अपना चैलेंज। इनिशिएटिंग सिस्टम 1। सिस्टम 1 लोडेड। एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है, तुम्हारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह कर। नो पेन नो गेन। मैं जब देखता हूँ ना लोगों को मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में, कहीं पर भी, पता है लोग क्या मांग रहे हैं? कि हे भगवान, हमारी जिंदगी में सुख शांति बनी रहे, हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, हमारा अच्छा टाइम चलता रहे, बुरा टाइम कभी ना आए। ये चीजें मांगते हैं हम, लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे कि हमारी जिंदगी की जितनी भी मुश्किलें हैं, उसकी जड़ ही यही है कि हम मुश्किलें नहीं चाहते, हम उन मुश्किलों को फेस नहीं कर रहे, हम उन मुश्किलों से डर रहे हैं। वो क्या रहा है कि हम मांग रहे हैं कि हमारा टाइम अच्छा चलता रहे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, किसी की हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना हो, लक्ष्मी भी आती रहे, जाए नहीं, यही सब चीजें हो रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक। मैंने पहले सेट में 100 रैप दिए, और मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस चैलेंज को 200 रैप में कंप्लीट कर दूं, तो ये मेरे से और आपसे दोनों से एक बहुत बड़ा झूठ होगा। क्योंकि मुझे लग रहा था 200 रैप मुझे बहुत चैलेंज करेंगे, पर मैं रियल में मैं बता रहा हूँ, 100 रैप के बाद मुझे कुछ अपनी मसल पर इंटेंस उतना लगा ही नहीं है कि मेरी 50% एनर्जी, मुझे लगा था 100 रैप में मेरी 50% एनर्जी डाउन हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सो मैं इस चैलेंज को अभी बढ़ाता हूँ, इसे अपन 200 से ले जाएंगे 300 पे। रहे क्या ये पॉसिबल है? पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में मुझे एक भी इंसान ऐसा दिखा दो जिसकी जिंदगी में सुख तो आए हों लेकिन दुख ना आए, जिसको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना आए, जिसका टाइम हमेशा अच्छा ही चला हो, जिसका टाइम कभी खराब ना आए, जो पैदा तो हुआ हो लेकिन कभी मरा ना, या उसके घर में कोई ना मरा, है कोई एक ऐसा इंसान? तो ये क्या है? ये थिंकिंग रियलिटी से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आप भगवान के सामने जाकर के मांग रहे हो, हे भगवान मुझे दिन अच्छा लगता है, रात ना हो, दिन तो रहे लेकिन रात ना रहे, सुख तो हो दुख ना हो, ये मांग रहे हो। पॉसिबल है? अपने ध्यान को बार बार कहीं और लेकर के जाओगे? डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, खुद आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे। तो दो सेट में 200 रैप कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं चाहता इस चैलेंज को यहीं रोक देता, पर ये चैलेंज करता हूँ खुद को चैलेंज करने के लिए, तो मुझे 200 रैप ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगे हैं। हाँ, पर अब 200 रैप करने के बाद अब जो फील मुझे हो रहा है वो हो रहा है, वो मुझे लगा था कि मुझे 100 रैप में होना चाहिए, पर अब
अपन करने जा रहे हैं अपना 300 कंप्लीट करने का। मैं स्टेट में ट्राई करूँगा, अगर मुझसे 300 बना तो ही मैं करूँगा, क्योंकि अब रियल में मेरे एब्डोमन एरिया पे जो शुरू जो 4 एप्स होते हैं, अपर एप्स और मिडिल एप्स, उसमें रियल में बहुत इंटेंस अब फील होने लग गया है। तो देखते हैं अब मैं 300 कंप्लीट कर पाऊंगा या बीच में ही गिव अप मुझसे हो जाएगा। और एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई भी हो, वो क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो कर रहा है मजे के लिए, खुशी के लिए, एब्सोल्यूटली प्लेजर के लिए। और दूसरी चीज वो कर रहा है अपने पेन को अवॉइड करने के लिए, कि जिन चीजों में दर्द होता है कि किसी तरह से वो दर्द ना सहना पड़े, मजा आता है। ये पूरा पूरा जाल है, इस जाल को काटना है किसी तरीके से, इस जाल में से निकलना है। ये भूल भुलैया है, ये आप कर वो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, करना वो चाहिए जो अच्छा है, लेकिन उसमें मजा नहीं है, और जो अच्छा नहीं है मजा सब उसी में है। दुनिया बाद में बदलेगी, पहले आपकी जिंदगी बदलेगी। सबसे पहले दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक खुद को नहीं बदलते। एक बार अंदर ये पनप गया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। चाहे कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो, कुछ करना है, ऐसी थोड़ी आया और चला गया, क्या है, कुछ करना है। द मोर यू डू इट। सो ये सेट और ये चैलेंज कंप्लीट होता है, 300 रेप्स टफ है, पर इतना भी चैलेंजिंग नहीं है कि आपसे ना हो। बट आप एक बिगनर हो तो आप हर एक चैलेंज पर यही ट्राई करें, आप अपना PR हिट करें, जितने मैक्सिमम फेलियर तक जा सकते हो उतने फेलियर तक जाएं। अब वो फेलियर आपका कितना भी हो सकता है, आपका 10 रेप भी फेलियर है। अगर आप 5 देते हो तो आप 10 देने का ट्राई करें, 10 देते हो या तो 15 से 20 देने का ट्राई करें। तो ऐसे ही जितनी आपकी लिमिट है उससे दुगना करने का ट्राई करें, आपके लिए वही चैलेंज है। और आज ये चैलेंज मेरे लिए 300 पे था, एक दिन आएगा मैं सिटअप्स को 1000 भी दूंगा, उस टाइम पे मेरा वो होगा। तो वैसे ही आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें आपको जितने मैक्सिमम रेप तक आप जा सके उतने पर जाइए। सो इसी के साथ में आज की चैलेंजिंग वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तो इसको लाइक कर सकते हो, और बुरी लगी हो तो एक डिसलाइक कर सकते हो, पर लाइक या डिसलाइक कुछ ना कुछ करके जाना। सो मिलते हैं अब आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज बी हैप्पी, बी फिट एंड डू योर बेस्ट।